नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं जंबू सीरीज की एक और धमाकेदार कॉमिक्स, जंबू बना भावा पार्ट टू। चीफ ने कहा, शरीर बदल लिया है? जंबू बोला, यह सच है सक्सेना साहब, जिस शरीर और सूरत से आप मुझे पहचानते थे, कुछ गुंडों ने उसे गोलियों से इतना छलनी कर दिया कि मजबूर होकर मुझे शरीर बदलना पड़ा। चीफ बोले, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप कह क्या रहे हैं। जंबू बोला, चीफ को समझाओ बंटी। बंटी ने कहा, ओके जंबू, और बंटी ने चीफ को सारी कहानी सुना दी। सुनने के बाद चीफ के आश्चर्य की कोई सीमा न रही। वह बोले, तो तुम कंप्यूटर हो? जंबू ने कहा, बेशक। चीफ बोले, लेकिन जिस्म तो ठीक आदमी जैसा है। जंबू ने कहा, और दिमाग भी। चीफ ने कहा, कमाल है। जंबू बोला, ऐसा कोई कमाल दिखाने के लिए ही मैं 3 साल प्रयोगशाला में बंद रहा, और जो कमाल रह गया था वह दिखाने का मौका तब मिल गया जब गुंडों ने मेरे पुराने जिस्म को नष्ट कर दिया। चीफ ने कहा, अगर कोई मुझसे पूछे कि दुनिया के 9 आश्चर्यों से बड़ा आश्चर्य क्या है, तो मैं आपका नाम लूँगा डॉक्टर भावा। मानव जैसा नज़र आने वाला कंप्यूटर आप अपने आविष्कार खुद हैं। आइए बैठिए। जंबू ने कहा, मैं आपको यह बताने आया हूँ मिस्टर सक्सेना कि आंध्र प्रदेश में स्थित सिबाका नामक शहर को खाली करा देने का काम शुरू कर दीजिए। चीफ सक्सेना ने कहा, क्यों? जंबू बोला, आपके पास केवल 2 महीने हैं। 5 दिसंबर के दिन सुबह के 10 बजे इतना भयंकर समुद्री तूफान आएगा कि सिबाका शहर समुद्र में पूरी तरह डूब जाएगा। चीफ ने कहा, आपको कैसे मालूम? जंबू बोला, मत भूलो कि मैं सुपर कंप्यूटर का बाप हूँ। सुपर कंप्यूटर केवल 1 महीने के मौसम के बारे में बता सकता है, जबकि मैं 3 महीने का हाल बता देता हूँ। चीफ सक्सेना बोले, ओह, और क्या क्या खूबियाँ हैं आप में? जंबू ने कहा, धीरे धीरे पता चल जाएंगी, अब मैं चलता हूँ। चीफ ने कहा, अब आप कहाँ जाएंगे? जंबू बोला, मेरा पहला उद्देश्य उस गिरोह को दिन में तारे दिखाना है जिसके चमचों ने मेरा पूरा शरीर नष्ट किया है, और भी वहाँ से चल दिए। बंटी बोला, कोई अच्छा सा चुटकुला सुनाओ जंबू। जंबू ने कहा, चुटकुला सुनोगे? बंटी ने कहा, हाँ। जंबू बोला, तो सुनो। एक आदमी अपनी पत्नी को दिल्ली घुमाने लाया और कुतुब मीनार पर ले जाकर बोला, ये देखो लाल किला कितना सुंदर है। उसकी बीवी ने कहा, लाल किला? नहीं जी, ये लाल किला नहीं, कुतुब मीनार है। आदमी ने कहा, बकवास मत कर, यह लाल किला है। पत्नी बोली, आप मुझे मूर्ख बना रहे हैं, ये लाल किला नहीं, कुतुब मीनार है। आदमी ने कहा, ये लाल किला है। पत्नी बोली, ये कुतुब मीनार है। आदमी ने अपनी पत्नी के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा और बोला, घुमाने तू मुझे लाई है या मैं तुझे? उस दिन तो पत्नी बेचारी चुप रह गई, मगर एक दिन वह रोटी बनाकर पति की थाली में रखती हुई बोली, ये लो जी पराठा खाओ। पति ने कहा, ये पराठा है? पत्नी बोली, और क्या है? पति ने कहा, ये रोटी है। पत्नी ने कहा, जी नहीं, ये पराठा है। पति बोला, ये तो रोटी है। पत्नी ने पति के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा और बोली, खाना मैं बना रही हूँ या तुम? बंटी बोला, वाह मज़ा आ गया जंबू, क्या चुटकुला सुनाया है तुमने। जंबू बोला, मुझे कुछ गड़बड़ का आभास हो रहा है बंटी। बंटी ने कहा, कैसी गड़बड़? जंबू ने कहा, पीछे वाली जीप में बैठे लोग शरीफ नहीं लगते, कुछ गाड़ियों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। जंबू बोला, ओह, हमें घेरने की कोशिश की जा रही है। बंटी ने कहा, क्या ये वही गुंडे हैं जंबू? बदमाश बोले, हा हा हा, तुम घिर चुके हो जंबू, अब बचकर नहीं निकल सकते। जंबू बोला, मैं तुम्हें मक्खी मच्छरों की तरह मसल दूंगा देश के गद्दारों। बदमाशों ने कहा, हमें मक्खी मच्छर बताने वाले बेवकूफ़, जो फिल्म हम तुझे दिखाने आए हैं वह बाद में दिखाएंगे, पहले उसका ट्रेलर देख। हमला! और यह कहकर उन्होंने जंबू की गाड़ी को मोम की तरह पिघला दिया। एक बदमाश ने कहा, हा हा हा, देखा, हम लोहे को मोम की तरह पिघला सकते हैं, और तेरा जिस्म लोहे का बना है। बंटी ने कहा, अब क्या होगा जंबू? क्या हम भी इसी तरह पिघल जाएंगे जंबू? जंबू बोला, अपनी तीसरी आंख से लोहे को पिघलाने वाली किरण मैं भी छोड़ सकता हूँ, मगर इस वक्त मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे इनकी चटनी बनानी है। बंटी ने कहा, मगर कैसे? जंबू बोला, देखते रहो। कहने के साथ जंबू ने अपने जिस्म में मौजूद एक बटन दबाया, उसके तलवों से 2 ड्रिल बाहर निकले, और फिर बंटी को साथ लिए वह दोनों ड्रिलों पर तेजी से घूमने लगा। ड्रिल ने पहले गाड़ी के फर्श में गड्ढा किया, फिर सड़क में गड्ढा करती चली गई। जंबू की गाड़ी पूरी तरह पिघल चुकी थी। एक बदमाश ने कहा, कहाँ गए दोनों? दूसरा बदमाश बोला, वह देखिए सर, शायद वह उस गड्ढे में घुस गए हैं। बदमाश ने कहा, लेकिन यह गड्ढा खोदा किसने? दूसरा बदमाश बोला, उसी ने खोदा होगा सर। बको मत, इतनी जल्दी वह इतना बड़ा गड्ढा कैसे खोद सकता है?
उधर बंटी को सीने से चिपकाए जंबू निरंतर ड्रिल द्वारा घूमता हुआ जमीन के अंदर सुरंग बनाता चला गया। एक निश्चित जगह आकर जंबू ने अपना रुख बदला। अब वह जमीन में धंसने की बजाय ऊपर उठने लगा। इस बार ड्रिल उसके सिर से निकली थी। वह जमीन के अंदर से ठीक गुंडों की एक जीप के नीचे निकला। ड्रिल पूरे वेग से जीप के तले से टकराई और जीप खिलौने की तरह हवा में उछल गई। दोनों बदमाश नीचे गिरे। पहला बोला, ये क्या चमत्कार है। दूसरे ने कहा, अब जंबू मेरी हवा निकाल देगा। जंबू बोला, अब मैं तुम्हें तुम्हारी ही गन से मोमबत्ती बनाऊंगा, लो इसमें से निकलने वाली किरणों का स्वाद चखो। और यह कहकर उसने बदमाशों पर हमला किया। तभी एक पुलिस वैन वहां पर आई। एक इंस्पेक्टर ने कहा, मेरा नाम इंस्पेक्टर गुलगपाड़ा है, मैं तुम्हें इतने सारे लोगों की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। जंबू ने कहा, तुम मुझे कौन सा आचार खाकर गिरफ्तार करोगे मिस्टर गुलगपाड़ा, मगर कानून की इज्जत करता हूँ, इसलिए चलो, कहाँ ले जाओगे मुझे। इंस्पेक्टर ने कहा, जीप में बैठो। जंबू बंटी से बोला, तुम घर जाओ बंटी, मैं वहीं पहुँचूंगा। बंटी बोला, मगर जंबू। जंबू ने कहा, जिद नहीं करते बंटी, तुम जाओ, चलो मिस्टर गुलगपाड़ा। जंबू ने अपने बारे में गुलगपाड़ा को सब कुछ बता दिया। यह भी कहा कि वह सीक्रेट सर्विस के चीफ से इन बातों की पुष्टि कर सकता है। थाने पहुंचते ही गुलगपाड़ा ने सीक्रेट सर्विस के चीफ को फ़ोन किया। चीफ ने न केवल जंबू द्वारा कही गई बातों की पुष्टि की, बल्कि जंबू को छोड़ देने का हुक्म दिया। इंस्पेक्टर ने कहा, मैं आपके बारे में सुनकर चकित रह गया हूँ मिस्टर जंबू, मगर आप बहुत खतरनाक लोगों से टकरा बैठे हैं। जंबू ने कहा, क्या तुम इस गिरोह के सरदार को जानते हो। इंस्पेक्टर बोली, सब लोग उसे जिंगारू कहते हैं, नाम कोई नहीं जानता। तभी टेलीफोन की घंटी बजी। इंस्पेक्टर गुलगपाड़ा ने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, जंबू से बात कराओ। इंस्पेक्टर ने कहा, कोई तुमसे बात करना चाहता है। जंबू बोला, जंबू दी ग्रेट हियर। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मैं तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ जिंगारू। जंबू ने कहा, ओ जिंगारू। जिंगारू बोला, लो सुषमा से बात करो। जंबू बोला, सुषमा। सुषमा ने कहा, मुझे इन लोगों ने पकड़ लिया है, ये लोग मुझे। जंबू ने कहा, घबराना नहीं सुषमा, मैं इन्हें कच्चा चबा जाऊँगा। जिंगारू बोला, तुम मुझे कच्चा क्या चबाओगे जंबू, मैं तुम्हें बताऊंगा कि जिंगारू से टकराने का अंजाम क्या होता है। जंबू ने कहा, अगर तूने सुषमा को हाथ भी लगाया जिंगारू, तो मैं तेरी गर्दन को कंगारू जितनी लंबी कर दूंगा। जिंगारू बोला, सुषमा को बचाना चाहते हो तो खुद को मेरे हवाले कर दो। जंबू ने कहा, बोल कहाँ आना है। जिंगारू ने कहा, जहांगीर होटल के रिसेप्शन पर पहुँच जाओ, वहाँ बैठा आदमी तुम्हें मेरे पास पहुँचा देगा। जंबू बोला, आ रहा हूँ हरामजादे, मैं मौत बनकर तेरी मान में आ रहा हूँ। इंस्पेक्टर ने कहा, इस तरह मत जाइए मिस्टर जंबू, जिंगारू ने आपको फंसाने का पूरा इंतजाम कर रखा होगा। जंबू ने कहा, जंबू देश के गद्दारों के हर इंतजाम की धज्जियां उड़ाना जानता है। पुलिस जीप लेकर वह होटल जहांगीर के लिए रवाना हुआ। होटल पहुंचकर वह दरवाज़ा तोड़कर होटल में दाखिल हुआ और बोला, मेरा नाम जंबू है। होटल रिसेप्शन पर बैठे आदमी ने कहा, ओ तुम जंबू हो, लेकिन इस हरकत का मतलब। जंबू ने कहा, मतलब जिंगारू को समझाना है, तुम उसके आदेश का पालन करो। उस आदमी ने कहा, आओ इस हॉल में जिंगारू आपका इंतज़ार कर रहा है। जंबू हॉल का दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुआ। जिंगारू ने कहा, आओ जंबू दी ग्रेट, हम अपने सोने के महल में तुम्हारा स्वागत करते हैं। जंबू बोला, शायद तू भूल गया है जिंगारू कि हनुमान ने सोने की लंका में घुसकर क्या गुल खिलाया था। जिंगारू ने जंबू को जंजीरों में जकड़ लिया और बोला, अफसोस मिस्टर जंबू, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वैसा कोई गुल तुम यहाँ नहीं खिला पाओगे। हमने इस बात का इंतज़ाम कर रखा है कि तुम्हारे हाथ अपने करामती जिस्म का कोई बटन न दबा सकें। जंबू ने कहा, तू इन लोहे के कमज़ोर धागों से जकड़कर यह समझ रहा है कि जंबू को कैद कर लिया। और देखते ही देखते जंबू जंजीरों से मुक्त हो गया और बोला, ये ले देख जंबू के करामती जिस्म का करिश्मा। जिंगारू ने सोचा, ओह इसका जिस्म न केवल करामती है बल्कि इसमें हनुमान जितनी ताकत भी है। जंबू ने कहा, अब तू बच जिंगारू, मैं तुझे पत्थर का स्टैचू बना दूंगा। जिंगारू ने कहा, हमने अपनी सुरक्षा के प्रबंध पहले ही कर लिए थे मिस्टर बेवकूफ, हमारे सामने ऐसा शीशा लगा है जिस पर किसी किरण का कोई असर नहीं होता। अब हम तुम्हें यह सलाह देना चाहते हैं मिस्टर जंबू उर्फ बेवकूफ सिंह कि कोई हरकत करने से पहले सुषमा की स्थिति अपनी आंखों से देख लो ताकि बाद में पछताना ना पड़े। जंबू ने कहा, कहाँ है सुषमा। जिंगारू बोला, नंबर 13 मिस्टर बेवकूफ को सुषमा के दर्शन कराओ। नंबर 13 ने कहा, ओके सर। जंबू ने सुषमा को छुड़ाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। जिंगारू बोला, तुम्हारी हर कोशिश बेकार रहेगी मिस्टर बेवकूफ,
तुम क्या तुम्हारी आवाज़ भी सुषमा तक नहीं पहुंच पाएगी। सुषमा तक पहुंचने का यह दरवाज़ा नहीं है, उस दरवाजे तक नंबर 13 ही तुम्हें ले जाएगा। जम्बू बोला, मुझे सुषमा के पास ले चलो। नंबर 13 ने कहा, चलिए इस दरवाजे में चले आइए। कमरे में कदम रखते ही जम्बू के पैर जमीन से उखड़ गए और वह गैस के गुब्बारे की तरह हवा में तैरने लगा। जिंगारू बोला, तुम फंस गए जम्बू, इस कमरे को मैंने गुरुत्वाकर्षण शक्ति से मुक्त कर रखा है, अब अपनी इच्छा से तुम अपने किस जिस्म पर लगा कोई बटन नहीं दबा सकते। कैसी रही मेरी कैद? जम्बू ने सोचा, ओह मैं सचमुच अपने किसी अंग को अपनी इच्छा से नहीं हिला डुला पा रहा हूँ। जिंगारू बोला, अब तुम देखने और चीखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते जम्बू, टीवी स्क्रीन की तरह देखो, जंजीर के टूटते ही तुम्हारी सुषमा खोलते तेजाब के तालाब में गिरकर तुम्हारी आंखों के सामने मरेगी। जम्बू ने कहा, नहीं सुषमा नहीं मर सकती, अगर तूने सुषमा का बाल भी बांका किया जिंगारू, तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जिंगारू बोला, बेचारा सुपर कंप्यूटर का बाप कितना लाचार हो गया है, हा हा हा। क्या जम्बू सुषमा को बचा लेगा, मगर कैसे? यह सब जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।